इस सितारे की पत्नी ने एक खुलासा किया है। दरअसल इन एक्टर को आप पिछले कई सालों से पर्दे पर देखते आ रही हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को गुजारे लायक पैसा भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उसे अपना सोना भी गिरवी रखकर घर चलाना पड़ रहा है। मैं बात कर रही हूँ रघुवीर यादव की। 1995 के आसपास उनका तलाक हुआ था और उसके बाद जो एलिमनी होती है वो उनको अपनी पत्नी को देनी थी, लेकिन उनकी पत्नी पूर्णिमा ने ये दावा किया है कि मुझे इतना पैसा ही नहीं दिया जाता कि मैं अपना गुजारा भी कर सकूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किराए के घर में रहती हूँ, अब तो जो मकान मालिक है वो भी मुझे चिल्लाता है, मैं किराए के पैसे भी नहीं दे पा रही हूँ। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और वो कहती हैं, बीते 5 साल से उन्होंने ठीक से मुझे पैसे भी नहीं दिए। लंबे समय से चल रही इस देरी के कारण मैं अपना किराया नहीं चुका पा रही और मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। नौबत तो इस कदर आ गई है कि मैंने अपना सोना गिरवी रखा है, लोगों से उधार मांगा है और इस तरह से मैं अपने जीवन का निर्वाह कर रही हूँ। 4 महीने से उन्होंने तो अभी पैसे भी नहीं दिए, अगर मैं हाल की ही बात करूँ तो इस तरीके से अब पूर्णिमा जो कि रघुवीर यादव की एक्स वाइफ हैं उन्होंने ये बात कही है। वहीं रघुवीर यादव के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि अब रघुवीर जो है 71 साल के हो चुके हैं और पहले के जैसा काम भी नहीं मिलता। ऐसे में पूर्णिमा जिन पैसों की मांग कर रही है वो बहुत ज़्यादा है और वो जो है मेरे क्लाइंट दे ही नहीं सकते इस तरीके से, इसलिए जो उनकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो आगे आई हैं और खुलकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास जो रहने के लिए छत है यानी कि जो किराए का घर है उसके भी वो पैसे नहीं दे पा रही हैं। रघुवीर यादव को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, उनके किरदारों को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। घर गृहस्थी के कई किरदार जो है वो कर चुके हैं, ऐसे में उनकी खुद की गृहस्थी में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस बात का अब खुलासा खुद उनकी पत्नी ने किया है।